मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात नई दिल्ली से लौटने के बाद राज्य बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को स्थितियों पर निरंतर नजर रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आधी रात को मंत्रालय स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष में पहुंचे और प्रदेश के जिलों में बाढ़ और वर्षा के हालातों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी सभी स्थितियों पर निरंतर नजर रखें, आवश्यकता हो तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी ऐसे क्षेत्रों के लिए रखी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान जहां भी पुल के ऊपर पानी बह रहा हो वहां नागरिकों को नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में सभी सजग रहें, बांधों के गेट खुलने की स्थिति में सतर्क रहें। हमें आज बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूँ और अभी मैंने समीक्षा की, मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में, आपको बचना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।